अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप सभी को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बता दें कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है, इसलिए नूरानी खबरें के तमाम नाज़रीनों को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हां नाज़रीन, सऊदी अरब में आज यानी 22 मार्च को रमजान का चांद नजर आ गया है। इससे पहले 21 मार्च को अरब देशों की चांद कमेटियों ने चांद देखने की कोशिश की, लेकिन चांद नजर नहीं आया। ऐसे में शाबान का महीना 30 दिनों का हो गया है, लेकिन आज खाड़ी के देशों में चांद नजर आ गया है, इसलिए सभी अरब देशों में 23 मार्च को पहला रोजा होगा। भारत में आज चांद नजर नहीं आया है, ऐसे में भारत में कल यानी 23 मार्च को रमजान का चांद नजर आने की उम्मीद है। जी हां नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे थे कि आप 22 मार्च से तरावी पढ़ेंगे और 23 मार्च की सुबह सहरी रखकर 23 रमजान का पहला रोजा रखेंगे, तो जरा ठहरिए, क्योंकि भारत में रमजान का चांद नजर नहीं आया है। अब उम्मीद है कि शाबान का महीना 30 होने के बाद कल यानी कि 23 मार्च को रमजानुल मुबारक का चांद इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम सभी देखेंगे, और चांद को देखने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हरमैन शरीफैन, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में चांद नजर आ चुका है। इस लिहाज से हम अपने तमाम नाज़रीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सभी को रमजानुल मुबारक में ढेर सारी इबादत करने और रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को रमजानुल मुबारक का चांद देखना नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।